हमने सोचा था कि हम सुबह यहाँ पे अपना हनुमान चालीसा का पाठ उच्चारण करके तो हम अपने इस नए साल की शुरुआत करेंगे। और हमारे कैफ़े में यहाँ स्टूडेंट्स आए हुए थे, स्कूल के और भी काफ़ी कस्टमर्स थे, तो हमने उनके साथ मिलके यहाँ पे हनुमान चालीसा का पाठ किया, जो कि हमें काफ़ी अच्छा लगा, जिससे कि पॉजिटिव वाइब रहेगी इस नए साल को शुरू करने में। तो काफ़ी अच्छा था, सनातन के तरीके से हमने अपने इस वर्ष को शुरू किया है। तो इस साल हमारा राम मंदिर का भी निर्माण हो रहा है, 22 जनवरी को हमारा राम मंदिर भी बनकर तैयार हो जाएगा। फिर सारे हम वहाँ पे दर्शन के लिए जाएंगे सारे वहाँ पे। तो मैं तो यही बोलूँगा कि प्रभु राम की कृपा है कि हम सभी देशवासी 22 जनवरी को सारे अयोध्या जाकर वहाँ पे उनका भव्य रूप से स्वागत करेंगे। यहाँ पर हम कॉफ़ी के लिए आए हुए थे, लेकिन यहाँ पर देखकर मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि यहाँ पर जो यहाँ के ओनर हैं निपुण जी और अक्षित जी, यहाँ पर एक बहुत अच्छी पहल नए नववर्ष 2024 के अवसर पर उन्होंने की कि यहाँ पर एक हनुमान चालीसा का पाठ करवाकर, जिसमें कई स्कूली बच्चे, कई उनके कस्टमर्स, सभी लोगों को उन्होंने बिठा कर एक हनुमान चालीसा का पाठ करवाकर नववर्ष की शुरुआत की। तो इसकी मैं अच्छी सराहना करना चाहूँगा निपुण जी और अक्षित जी और टी फैक्ट्री की खासकर से, कि इस तरह से अपनी संस्कृति को, अपने कल्चर को वो बढ़ावा दे रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।